तो आज सुलु से बात करेंगे, लेकिन पहले सुलु का कैरेक्टर कैसे पकड़ा और पिक्चर इतनी हिट होगी आपको उम्मीद थी जब आप काम कर रहे थे फिल्म पे? एक्चुअली जब मैंने फिल्म देखी एक 1.5 महीने पहले मैंने देखी तो लगा कि अच्छा अच्छी फिल्म बना ली है हमने, मुझे लगा चलेगी, पर इतना प्यार मिलेगा पता नहीं था। सब बार बार जाके फिल्म देख रहे हैं, जिस तरह की प्रतिक्रिया रही है, जिस जो जो वो कह रहे हैं फिल्म देखने के बाद, वो सुन के उनका नजरिया अलग है। ऑफ कोर्स हमने एक कहानी सुनाई गृहिणी की जो लेट नाइट आरजे बन जाती है, और सुरेश त्रिवेणी जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने उसमें बहुत कुछ मसाला बहुत डाला है, पर अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कह रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, वो जो मैसेज नहीं है पर जो चीजें लोगों के दिलों को छू जाती है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ है इस फिल्म में, तो वो रिएक्शंस बहुत बहुत खुश कर रहे हैं हम सबको, खुश कर रहे हैं कह रही हूँ क्योंकि अभी भी फिल्म थिएटर्स में है, जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज देखें। पर जहां तक किरदार का सवाल है, आई थिंक शी इज अ रेगुलर वुमन जिसके सपने हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहती है, वो खुश है बतौर गृहिणी हाउसवाइफ, पर फिर उसमें एक चाह है कि अपने लिए कुछ करे, और उसे जब मौका मिलता है तो वो मौके पे चौका मारती है और शी बिकम्स अ वेरी सक्सेसफुल आरजे। हमें भी मौका मिला है, आपको इधर आना पड़ेगा, सुलू को एक बार खड़ा होना पड़ेगा सुलू के स्टाइल में बोलने के लिए। मेरे पास कुछ सवाल हैं आपके लिए जो आप बताएंगे, आप इधर आ जाएं। खड़े रह के करना है? नहीं नहीं, आप इधर आ जाएं। अच्छा, आपकी सीट वो थी, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। अच्छा, पहला सवाल आपके लिए जी कि सुलू, मेरे 2 बच्चे हैं लेकिन फिर भी मेरी बीवी रोज बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, ये बताओ। पर आपने तो क्वेश्चन आया नहीं कि आप शादीशुदा है सुशांत। नहीं नहीं, विनीत से, विनीत से आया है ये सवाल, विनीत। मेरे उन्होंने कहा है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं फिर भी मेरी वाइफ मुझसे रोज पूछती है कि मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तो विनीत, वक्त है 3रा बच्चा पैदा करने का। अच्छा, सूर्या का सवाल सुलो आपके लिए। सूर्या, मेरी गर्लफ्रेंड पूछती है कि शादी करोगे या नहीं, 4 साल से मैं डेट कर रहा हूं लेकिन रोज यही सवाल से मैं परेशान हो चुका हूं कि शादी कब करोगे, करोगे या नहीं करोगे। आपका इरादा क्या है सूर्या? अगर आप उनसे शादी नहीं करना चाहते तो फिर कोई दूल्हा ढूंढ दो उनके लिए। उनके लिए? हाँ, वो कभी नहीं ढूंढेंगे ना। 4 साल घुमाने के बाद अगर कोई शादी की मांग कर रहा है तो एटलीस्ट जवाब तो देना चाहिए, हाँ कि नहीं। बिल्कुल। अपर्णा का सवाल है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात करते करते सो जाता है रात को और खराटे भी लेता है फोन पे, तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि वो जागा रहे, उसे जगाने का क्या उपाय है? बस आप एक बार हर रात को उनसे बात करने से पहले आप ऐसे हंस दें, नींद उड़ जाएगी उनकी, सोने से डरेंगे। ये कुछ आपका नया, ये मूवी में भी था आपका। नेहा पूछ रही है कि मैं 30 साल की हूं और मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है कि शादी क्यों नहीं करती, तो उनसे मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं? इस सवाल का मेरे पास भी कोई जवाब नहीं। आपके पास कोई जवाब नहीं? आपका शादी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है सुलू, अगर मैं सुलू से पूछूं? सुलू का शादी का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, पर सुलू नहीं मानती कि सबको शादी करनी चाहिए, जिसको जब चाहे शादी करनी चाहिए। अगर मम्मी को बहुत ज्यादा दिलचस्पी है शादी में मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगी, फंसूंगी नहीं तो।